विद्यार्थियों, आज का पहला दिन टॉपिक अंकेक्षण एक परिचय, ऑडिटिंग एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंकेक्षण का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ। हमें ये समझना चाहिए कि पुस्तपालन के प्रादुर्भाव एवं लेखाक्रम के प्रादुर्भाव के साथ ही अंकेक्षण का प्रादुर्भाव हुआ। पुस्तपालन का प्रादुर्भाव व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की भइयों में लिखने की एक कला को पुस्तपालन कहा जाता है। लेखाक्रम, जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहीं लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होता है। इसमें निम्न तीन प्रकार के कार्य आते हैं। नंबर वन, तलपट तैयार करना, जिसको हम ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। नंबर दो, समायोजन व भूल सुधार के लेखे करना, जिसे हम एडजस्टमेंट एंड एरर एंड ओमिशन भी कहते हैं। नंबर तीन, अंतिम खाते तैयार करना, जिसको हम फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कहते हैं। चौथा बिंदु, अंतिम खातों की आलोचनात्मक व्याख्या करना एवं पुस्तपालकों को मार्गदर्शन देना। अंकेक्षण, अब जो विषय हमारा है अंकेक्षण, व्हाट इज एन ऑडिटिंग। अंकेक्षण किसी भी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो प्रमाणकों व अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा बुद्धिमत्तापूर्वक तरीके से की जाती है, जिसका उद्देश्य यह रिपोर्ट देना है कि एक निश्चित समय के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता तथा उस समय के लिए संस्था की सही लाभ हानि को प्रदर्शित करता है अथवा नहीं। साथ ही जो चिट्ठा बनाया जाता है वह सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है या नहीं। विद्यार्थियों, जो हम वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता तैयार करते हैं और साथ में ऑन ए पर्टिकुलर डे चिट्ठा तैयार करते हैं, चिट्ठा व्यवसाय किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का प्रदर्शित करता है। विद्यार्थियों, अब यह जानने की आवश्यकता है कि अंकेक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। उद्देश्य नंबर वन, पहला उद्देश्य अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच करना होता है। दूसरा, अंकेक्षक का उद्देश्य अशुद्धियों का पता लगाना होता है। तीसरा, कपट व गबन का पता लगाना होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि किन्हीं कार्मिकों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा या अन्य भाव व्यक्तियों के द्वारा किसी प्रकार का कोई कपट या गबन तो नहीं किया गया है। कपट व अशुद्धियों को रोकने का भी उद्देश्य अंकेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पांचवा बिंदु, संस्था की कमजोरियों के संबंध में प्रबंधकों को सलाह देने का काम भी यह महत्वपूर्ण कार्य है जो अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, समझने की आवश्यकता यह है कि अंकेक्षण के माध्यम से किसी भी संस्था को क्या लाभ होंगे। पहला बिंदु, उचित व विश्वसनीय लेखा होना। यदि बाह्य व्यक्ति के द्वारा अंकेक्षण करवाया जाता है तो इस खातों की विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाती है। नंबर दो, अशुद्धियों व गबन पर रोक लगाना। कर्मचारियों का नैतिक प्रभाव बढ़ता है कि कर्मचारी ये मानते हैं कि हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वह पूर्ण रूप से सही है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। नंबर चार, व्यापार की सही व वास्तविक स्थिति का ज्ञान व भ्रष्टाचार को रोकना, ख्याति में वृद्धि, बहुमूल्य सलाह मिलना, विनियोजकों के हितों की रक्षा करना। नंबर नौ, खातों की तुलना में सहायक, यदि हम किसी अन्य कंपनी के द्वारा या हम अपने किसी अन्य व्यवसाय के द्वारा इसकी तुलना करना चाहते हैं तो हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। सही कर निर्धारण में सहायक होता है, बीमा कंपनी से हर्जाना लेने में सहायक होता है, ऋण प्राप्त करने में सहायक होता है, न्यायालय में प्रमाण, बड़े एकाकी व्यापार को लाभ। अंकेक्षण से किस प्रकार की हानियां हैं या कौन कौन से
कमियां हैं या कौन कौन सी सीमाएं हैं अंकेक्षण की। नंबर वन, 7% अंकेक्षण 7% शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। नंबर दो, कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। नंबर तीन, छोटी व कम महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अंकेक्षक का कार्य सिर्फ राय प्रकट करना है। नंबर पाँच, व्यापार की व्यवहारों को औचित्य जांच नहीं है। नंबर छः, आंतरिक सूचनाओं पर निर्भरता, समस्त गबन का पकड़ में न आना, अंकेक्षकों को व्यवहारिक स्वतंत्रता में कमी। नंबर नौ, पूर्व में तैयार किए गए खातों की जांच। और नंबर दस, अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रमाण पत्रों पर निर्भरता। मन गया क्या? सोना देखो कैसा बना यार, साफ सुथरा तो डालो आज उसको।